वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिया था, तो 18 नंबर एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हमारी बातों को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। तो ये सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से प्रत्यक्ष कर का मतलब वो होता है जिसको आप डायरेक्ट सरकार को देते हैं, तो वो आप जानते हैं सभी, जो आपका संपत्ति का कर होता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। बाकी ये सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या सेवा कर, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं या साबुन खरीद के लाते हैं, तो आपको अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता है कि आपने 10 रुपये का साबुन लिया, 1 रुपया टैक्स दो अलग से, नहीं, उसमें जुड़ा होता है। जब आप कोई कर देते हैं, सीमा शुल्क देते हैं, तो उसमें आपको अलग से टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जब आप संपत्ति शुल्क देते हैं, जो कि आपकी खुद की संपत्ति होती है, तो वो संपत्ति आप किसी से खरीदते तो है नहीं, लेकिन आपको उसमें टैक्स देना होता है। यानी आप अपने मकान का, अपने घर, जमीन जायदाद का टैक्स सरकार को देते हैं, ठीक ना, यानी GST देते हैं। इसके अलावा जो आय कर होता है, वो भी आपका डायरेक्ट कर होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर होता है। जब आपकी सैलरी आती है, तो आपकी सैलरी से वो काटा जाता है, ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। आप जानते होंगे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो सभी बैंक आपको दिख रहे हैं, ये सभी बैंक आपके भारत में हैं, है ना, आपने सुना होगा। ICICI बैंक भी है, HSBC बैंक कहीं भारत में आपने सुना नहीं होगा, ये भारतीय बैंक नहीं है, ठीक है ना। HSBC बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1836 में बर्गिम यूनाइटेड किंगडम में की गई थी, यह विदेशी बैंक है। जबकि एक्सिस बैंक की स्थापना 1997 में की गई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी, इसका भी मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो मुंबई में है। ICICI बैंक की स्थापना भी 1994 में हुई थी, इसका भी मुख्यालय आपकी माया नगरी मुंबई में है। ये तीनों बैंक जो हैं वो भारतीय बैंक हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा रात्रि में 10:45 से। इस क्लास में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस क्लास को शुरू किए हुए थे, तो याद रखिएगा रात्रि 10:45 से अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। कृपया ये बात आप कन्फर्म करें, रात 10:45 का टाइम ज़्यादा बेटर होगा या फिर दोपहर 1 बजे का टाइम। आप किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा से महसूस करेंगे इस क्लास को देखने के लिए, मतलब कौन सा समय आपके लिए बेटर होगा, कमेंट अवश्य करिएगा। इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, आप इस PDF फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।